नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार के गया में आज से बौद्ध महोत्सव की शुरुआत। मिस इंडिया 2023 टॉप 10 में बिहार की 6 बेटियां। बिहार में साइबर अपराध का फैलता जाल। नालंदा में डिप्लोमा पास चायवाला। कप्तान हार्दिक ने बताया पहले T20 मैच में कौन दो बल्लेबाज करेंगे ओपनिंग। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के गया में आज से बौद्ध महोत्सव की शुरुआत। आज से ज्ञान की भूमि बोधगया के कालचक्र मैदान में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव की शुरुआत हो गई है। बताते चले कि आज शाम 5 बजे बौद्ध भिक्षुओं के मंत्रोच्चार के साथ महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद यहां कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर चलेगा, जिसकी शुरुआत बिहार संगीत नाटक अकादमी द्वारा बिहार गौरव गान की प्रस्तुति के साथ ही कंबोडिया व वियतनाम के कलाकारों की प्रस्तुति होगी। मालूम हो कि बौद्ध महोत्सव का स्टेज बनाने में कुल लागत 15 लाख रुपए आई है। इसके साथ ही पंडाल क्षेत्र में सुरक्षा को देखते हुए हर तरफ CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे चारों तरफ नजर रखी जा रही है। किसानों ने दिखाई अपनी ताकत, निकाली ट्रैक्टर रैली। बक्सर के चौसा में किसान जमीन अधिग्रहण को लेकर बीते दिन गुरुवार को किसानों के द्वारा अपनी ताकत को दिखाया गया। बता दें कि बरानपुर गांव से प्रभावित किसान मोर्चा के द्वारा ट्रैक्टर से रैली निकाली गई। जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान तकरीबन 100 के करीब बाइक सवार, एक हार्वेस्टर और 200 से ज्यादा ट्रैक्टर को रैली में शामिल किया गया था। इस रैली में किसानों के द्वारा भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे और पूरा यात्रा तिरंगामय नजर आ रहा था। मालूम हो कि इस रैली को लेकर अपेक्षित जानकारियां नहीं दी गई थी, जिस वजह से प्रशासनिक अनुमति किसानों को नहीं दी गई थी रैली को निकालने के लिए। इसके बावजूद भी किसानों के द्वारा रैली निकाला गया। बता दें कि 16 जनवरी को राकेश टिकैत के द्वारा आह्वान किया गया था कि 26 जनवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, जिसके बाद बीते दिन बक्सर के किसानों के द्वारा भी पूरे 30 किलोमीटर की ट्रैक्टर रैली निकाली गई। मिस इंडिया 2023 टॉप 10 में बिहार की 6 बेटियां। बिहार की बेटियां किसी से कम नहीं है, इस लाइन को एक बार फिर बेटियों के द्वारा साबित कर दिया गया है। बता दें कि मिस इंडिया 2023 के दूसरे राउंड में यानी कि टॉप 10 में बिहार की 6 बेटियों के द्वारा भी अपनी जगह बना ली गई है। बता दें कि इन 6 बेटियों में बिहार के दरभंगा जिले की नीलूझा, मुंगेर की लोपा मुद्रा राजपूत, पटना की श्वेता सिंह, रोहतास की भैरवी सिंह, कशिश कपूर और कुशमांडवी शर्मा का नाम शामिल है। इस दौरान से बिहार की बेटियों ने बिहार के लोगों को गर्व महसूस करवाया है। जानकारी के लिए बता दें कि मिस इंडिया 2023 के पहले राउंड में बिहार से 35 कंटेस्टेंट ने भाग लिया था, जिसमें से 6 कंटेस्टेंट के द्वारा बाजी मारी गई। नालंदा में डिप्लोमा पास चायवाला। राज्य में इन दिनों MBA ग्रेजुएट, मैट्रिक फेल, कैदी और बेवफा चायवाला काफी सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं अब इस लिस्ट में एक और चायवाले का नाम शामिल हो गया है। बता दें कि नालंदा में एक युवक है जो डिप्लोमा चायवाले के नाम से चाय बेच रहा है। इस युवक ने 2019 में पंजाब यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था और इसकी नौकरी नहीं लग पाई, जिस वजह से इन्होंने खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार शरीफ मुख्यालय के रजिस्ट्री कचहरी के समीप अपना एक चाय का स्टॉल खोल लिया और उसका नाम डिप्लोमा चाय वाला रख दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि सुबह से 250 से 300 कप चाय बेच देते हैं, जिसकी कीमत 8 रुपए से लेकर 25 रुपए तक की होती है। बिहार में साइबर अपराध का फैलता जाल। इन दिनों बिहार में साइबर ठगी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2022 में पूरे बिहार में कुल 83,987 साइबर अपराध से जुड़े मामले दर्ज किए गए। ऐसे में बिहार के साइबर ठग सिर्फ बिहार पुलिस के नहीं बल्कि अन्य 15 राज्यों की पुलिस के भी सरदर्द बने हुए हैं, जिसका कारण है कि यहां के ठग न केवल बिहार में बल्कि बिहार के बाहर भी अपने ठगी को अंजाम देते जा रहे हैं, जिस वजह से हर महीने दूसरे राज्यों की पुलिस साइबर अपराधियों की तलाशी में बिहार आती है। बताते चले कि बिहार के कुछ जिले ऐसे हैं जो आज के समय में साइबर अपराध के स्पॉट बन गए हैं, जिनमें पटना, गया, शेखपुरा, नालंदा और नवादा जिला शामिल है। परीक्षा पे चर्चा 2023 में पटना की प्रियंका ने पीएम मोदी से पूछा ये सवाल। आज पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बिहार की राजधानी पटना के कई जगहों पर स्कूली बच्चों के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया गया। इसी दौरान पटना के रविंद्र बालिका प्लस टू स्कूल की छात्रा प्रियंका के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा गया। प्रियंका ने बोला कि मेरे घर में सभी लोग अच्छे नंबर लाते हैं और मुझ पर भी यही दबाव है, इस वजह से मुझे स्ट्रेस भी होता है, मैं अपने इस स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकती हूं। जिसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परिवार के लोगों की अपेक्षा स्वाभाविक है, अगर परिवार के लोग सोशल स्टेटस कर रहे हैं तो यह गलत है, माँ बाप आपकी क्षमता को जानने के बाद और सोशल स्टेटस के कारण ये दबाव आता है, हमें दबावों से दबाना नहीं चाहिए, आप अपने भीतर देखिए और अपेक्षाओं को अपने साथ खुद को जोड़िए। जैसे आप एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो आप उस अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, जैसे खेल के मैदान में क्रिकेटर ऑडियंस के दबाव में नहीं खेलता है।
जांच प्रभावित करने की आशंका को लेकर एमबीआई सस्पेंड। परिवहन विभाग के द्वारा पत्र लिखकर एमबीआई निशांत कुमार, जो कि मोटर यान निरीक्षक है, उन्हें सस्पेंड करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि इससे पहले भी परिवहन विभाग के द्वारा एमबीआई राकेश रंजन को भी सस्पेंड कर दिया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि परिवहन विभाग के द्वारा एमबीआई निशांत कुमार के खिलाफ पत्र लिखकर कहा गया है कि इनके खिलाफ कई परिवाद पत्र मिले हैं और साथ ही इन्होंने अपने द्वारा किए गए जा रहे कार्यों में लापरवाही भी बरती है, इसलिए इन्हें इन मुद्दों को लेकर अपना स्पष्टीकरण देना होगा और अगर उनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाई जाएगी, क्योंकि पद पर रहते हुए ये जांच प्रभावित कर सकते हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए उन्हें निलंबित किया जा रहा है। विजय चौधरी का संजय जायसवाल पर पलटवार। भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के द्वारा राज्य के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी को अक्षम कहे जाने को लेकर विजय चौधरी के द्वारा पलटवार किया गया है। विजय चौधरी ने कहा कि संजय जायसवाल को भी वित्तीय मामलों की समझ नहीं है, अगर उनके पास समझ होती तो वे केंद्र सरकार को कठघड़ा में खड़ा नहीं करते। वो जिस भी 105 योजनाओं की बात कर रहे हैं वह सब केंद्र सरकार का है और अगर वह जमीन पर नहीं उतरती है तो इसमें केंद्र सरकार की ही जिम्मेवार है। इसके साथ ही केंद्रीय योजनाओं की भी संख्या बढ़ाई जा रही है, जिस वजह से राज्यों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्हें बताना चाहिए कि अब तक राज्य को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और सर्व शिक्षा अभियान के लिए धन क्यों नहीं मिला है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस आरोप को समझ नहीं पाए हैं कि केंद्र सरकार राज्य को मदद नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री का भाव यह था कि गरीब राज्य होने के बाद भी बिहार को संपन्न राज्यों की तुलना में अधिक धन नहीं मिल रहा है। जान से मारने की धमकी देने वालों को मंत्री आलोक मेहता ने दी चेतावनी। बीते दिनों बिहार सरकार के भूमि मंत्री एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता को फोन कॉल से जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद अब उन्होंने अमर शहीद जगदेव प्रसाद के 1 फरवरी 2023 को जन्म शताब्दी समारोह की तैयारी को लेकर गया के सर्किट हाउस में हुई समीक्षा बैठक में अपनी तरफ से धमकी देने वाले को चेतावनी दे दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि आलोक मेहता के धमनी में जगदेव प्रसाद का खून दौड़ रहा है। मैं 90% गरीब, पिछड़े, दलित, किसान, ग्रामीण, शोषित की लड़ाई को लड़ता रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने सभी बातें पहले ही स्पष्ट कर दी है, फिर भी मुझे सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है और गाली दी जा रही है। ऐसे लोगों के मैं चुल हिला के रख दूंगा, वे सभी अपनी औकात में रहें। अगर देश की 90% जनता जग गई तो इनके सारे इरादे धराशायी हो जाएंगे। बिहार से बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय एकजुटता की मुहिम। बिहार में बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय एकजुटता की मुहिम शुरू की जा रही है। बता दें कि भाकपा माले की ओर से 15 से 20 फरवरी को पटना के एसकेएम में फांसीवादी ताकतों से मुकाबला करने के लिए रणनीति बनाने को लेकर राष्ट्रीय महाधिवेशन आयोजित की जा रही है। मालूम हो कि 6 दिन के इस आयोजन में 18 फरवरी को 3 घंटे का कन्वेंशन आयोजित है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को भी आमंत्रण भेजा गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश पर लगाया आरोप। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि जेडीयू लगातार कमजोर हो रही है। इस बारे में मैंने नीतीश कुमार से कई बार बातें की हैं, लेकिन वे मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि जेडीयू को एक नंबर बनाया जाएगा। 2021 में जेडीयू में मेरे आने के बाद जब भी जरूरत पड़ी है मैंने ही नीतीश कुमार को फोन किया और उनसे मिला हूं। उन्होंने 2 सालों में 5 मिनट के लिए भी उपेंद्र कुशवाहा को बुलाकर कभी कोई बात नहीं की है। नीतीश कुमार के भी संतान है और मेरी भी संतान है, तो वो कसम खाएं और बोले कि मैं झूठ बोल रहा हूं। सीएम नीतीश जैसे भी हमसे बात करना चाहते हैं, हमें बुलाएं, हम बात करने को तैयार हैं। महागठबंधन को लेकर तेजस्वी यादव ने कही ये बात। कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में ऐसी खबर चल रही थी कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और साथ ही इन दिनों नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जुबानी जंग भी चल रही है। इन्हीं सभी मुद्दों को देखते हुए जब मीडिया के द्वारा बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया कि ऐसे मुद्दों से बिहार में गठबंधन में प्रभावित होगी या नहीं, इस पर जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन को लेकर जो लोग एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं और करने में लगे हुए हैं अब उन्हें सफलता नहीं मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि अब पहले वाली बात नहीं है कि कोई कुछ भी कहेगा और हम बिखर जाएंगे, इसलिए पहले वाली बात आप भूल जाइए। महागठबंधन एक साथ है, हमारे एक होने का कारण देश में काबिज सांप्रदायिक शक्तियों को हटाना है।
नीतीश सरकार पर चिराग पासवान का हमला। एक बार फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के द्वारा नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला गया। उन्होंने बोला कि शराबबंदी कानून में बदलाव की जरूरत है, इसलिए एक बार सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री को बुलानी चाहिए। जातीय जनगणना पर भी सबके द्वारा समर्थन दिया गया। ऐसे में जब जातीय जनगणना भी शराबबंदी की तरह विफल होगी तब इस पर भी सवाल उठाए जाएंगे। उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कोई जवाब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में किसी दूसरे को तो छोड़ ही दीजिए, खुद जेडीयू के मंत्रियों को नहीं पता होगा कि जातीय जनगणना की रूपरेखा क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार सर्वदलीय बैठक बुलाकर जातीय गणना पर सभी की राय और सोच लेनी चाहिए। कप्तान हार्दिक ने बताया पहले T20 मैच में कौन दो बल्लेबाज करेंगे ओपनिंग। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाना है। इसी को लेकर कप्तान हार्दिक पांड्या के द्वारा बता दिया गया है कि आज के मैच में ओपनिंग का दारमोदार किन दो खिलाड़ियों पर होगा। उन्होंने कहा कि फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में पृथ्वी शॉ पर तरजीह मिलेगी, जिन्होंने टीम में वापसी की है। गिल ने पिछली 4 पारियों में एक दोहरा शतक समेत 3 शतक लगाए हैं। उनके इस शानदार फॉर्म को देखते हुए उनका चयन तय है। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल और ईशान किशन ही पारी की शुरुआत करेंगे। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, कमलेश शर्मा, असरफी मंडल, शंकर मुखिया, रविशंकर, सदुल्लाह पलवी, अनवर करीम खान, कन्हैया कुमार, कुलदीप कुमार, नन्नू गोलू कुमार, उमेश ऋषिदेव, सुनील कुमार, मुटू रंगीला, प्रिंस कुमार, पीयूष कुमारी संजना। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार की बेटियों को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।